सुबह की शुरुआत अच्छी रखने के लिए हमें सुबह में उठना और प्राकृतिक से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ यही होता है, जब मैं ऐसे मॉर्निंग में उठते के साथ ही ना रूम में ही रहूँ ना घर में अंदर रहूँ तो फिर ना मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जैसे ही हम बाहर आते हैं ना और मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, या फिर जिसके बाहर ऐसे पेड़ पौधा ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कि छत है, छत पे उस वातावरण में जब जाते हैं ना, जो सुबह का वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा होता है, जिस वातावरण में ना हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करते हैं और वहाँ पे अच्छा महसूस करके और एक अच्छी दिन की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं और हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मेरे पास छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों को मैं सबसे पहले उठते के साथ ही देखती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद फिर थोड़े से अपने एक्सरसाइज जो भी मुझे हो पाता है, ऐसा नहीं कि मैं डेली अपने आप को एक ही रूटीन में बांध के रखती हूँ, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे हमारी तो सुबह हो चुकी है, मेरे बेटा जी की भी सुबह हो चुकी है और वो भी उठ चुका है। और उठने के साथ ही ना बाबू की भी मेरी आदत हो गई है कि बाहर ही जाना होता है। सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ किचन में और बाहर का भी जो भी काम था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया है, झाड़ू वगैरह कर दिया है। और अभी सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही मुझे बनाना है अभी ब्रेकफास्ट। अभी साफ़ सफाई भी मैंने नहीं किया है किचन की, बट हाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह काट की और लेके आ गई हूँ। बैठ के ही आज मैंने सब्ज़ी कट किया क्योंकि मुझे मन नहीं था यहाँ पर खड़ा होके किचन में सब्ज़ी वगैरह कट करने का, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर मैंने कट कर लिया है। और आज मैं बना रही हूँ कुद्रुम की भुजिया। तो सबसे पहले तो मैंने कुद्रुम को छौंक लगा दिया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करी और यहाँ पे अभी मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट। और आलू मैंने बॉईल कर दिया था पहले ही, जब मैं चाय बनाई थी ना उसी टाइम, कि आलू का पराठा बना देंगे एंड कुद्रुम का भुजिया दही वगैरह है तो उस सबके साथ हो जाएगा। और मॉर्निंग में ना कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, बट जो ड्यूटी वाले लोग हैं उन्हें तो खाना ही होता है, खाने पीने खाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले जाते हैं तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। और उसके बाद ज़्यादा काम तो होता नहीं है, अपने घर का जो भी होता है ना वो करो। और जो फौजी वाइफ होती है ना वो मॉर्निंग में ही ज़्यादा वर्क होता है उनका, क्योंकि हस्बैंड ब्रेकफास्ट ना करके जाएं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जॉब जो भी करते होंगे जो मॉर्निंग में जाते होंगे, तो यहाँ पर अभी मैं ना आलू को अच्छे से छिलका निकाल लेती हूँ और उसके बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ स्टफिंग में, सिर्फ मैंने थोड़ा सा सरसों ऑयल डाला है, मिर्चा मैंने कट करके डाल दिया है और इधर मैं आलू डालते जा रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही हमारा आलू थोड़ा सा भुन जाएगा तो नमक और थोड़ा सा हल्दी और मैं आमचूर पाउडर डाल दूँगी। आमचूर पाउडर डालने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है और मुझे ख़ास तौर से ज़्यादा पसंद है। और साथ में मंगरेल अजवाइन भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने ना पाउडर वाला मिर्चा भी ऐड कर दिया है जिससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए। और प्याज वगैरह का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज मन नहीं था और प्याज था भी नहीं तो। और इसके साथ ना मतलब आलू के पराठा में प्याज वगैरह डालो ना तो वो स्टफिंग में उतना अच्छा लगता भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया है और झटपट रेडी भी हो गया है, जो कि टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये बहुत इजी भी है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। मगर मैंने आटा नहीं गूना था तो फिर मैं आटा गूनने चली गई। और यहाँ पे जब तक हमारा भी भुजिया तैयार ही हो रहा है, क्योंकि उसे मैंने मीडियम आँच पर रखा हुआ है, तो इधर ना मेरा आटा वगैरह मैंने गून के आराम से आ गई हूँ और बैठ के आराम से आटा वगैरह गूना। उसके बाद फिर हस्बैंड अभी चले गए हैं रेडी होने और मैं आ गई हूँ इधर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बना के और हस्बैंड को देते हैं ब्रेकफास्ट।
मॉर्निंग में हम कितना भी जल्दी करें ना तो फिर पता नहीं क्यों लेट हो ही जाता है मॉर्निंग में। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी उठो और ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँ, और इसीलिए मैं हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और हल्का फुल्का बनाने से फिर जल्दी भी बन जाता है और ऐसे कोई खाली पेट भी नहीं जा पाता है। तो चलिए फटाफट हमारा ब्रेकफास्ट रेडी ही होने वाला है और साथ ही साथ मैं लोया भी करते जा रही हूँ। मैं पराठा बनाने चली ना तो रिफाइंड पहले ही ख़त्म हो गया था, मैंने हस्बैंड से बोला था लाने के लिए बट वो किसी कारण बस भूल गए थे। और इधर ना हमारा मस्टर्ड ऑयल भी ख़त्म हो गया था, और जब मैं गई ना बड़ा अफसोस हुआ कि मैं पूरा तो नहीं बना पाऊँगी बट थोड़ा सा था तो मैंने हस्बैंड के लिए बना दिया, क्योंकि उसके साथ मुझे अभी दोपहर का भी तैयारी करना था उसी ऑयल में। तो मैं सोच रही थी ना कि चलो थोड़ा थोड़ा डाल के बनाते हैं। तो आज मैं बहुत कम, मतलब बहुत कम मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, सच में इतना मैं कभी नहीं बनाई हूँ। बट हाँ, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा अलग अलग रहता है जिसमें एडजस्ट होना पड़ता है, और थोड़ा ही है बट मैं उसी में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ना सच में अच्छा भी बन जा रहा था, मैं इतना नहीं डालती थी पहले बट इतना भी डाल के सच में बहुत अच्छा बन जाता है पराठा, और हल्का हल्का खाना भी चाहिए। तो अभी मैं सबसे पहले हस्बैंड को बना कर दे देती हूँ, और मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ रोटी, क्योंकि इतना ऑयल अभी है नहीं तो मैंने सोचा कि चलिए अपने लिए रोटी बना देते हैं, और अभी आज तो हस्बैंड लेके आ ही जाएंगे। तो इधर मैंने आलू का भुजिया था जो कि कल रात का था, थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने उसको भी दे दिया, इधर कुंदरू का भुजिया भी दे दिया। और आप लोग को नज़दीक से मैं जूम करके दिखाती हूँ ना कि पराठा हमारा कितना अच्छा बना हुआ है, जो कि बहुत कम तेल में है और बहुत ही अच्छा है। तो इधर फाइनली अभी हमने रोटी वगैरह भी रेडी कर दिया है, और अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ, बस अभी फटाफट अपने घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये सब बिखरा रहेगा ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और खाने पीने का तो ख़ास तौर से मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी फटाफट किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में उठी तो उतना मैंने क्लीनिंग नहीं किया था, ऐसे ही हल्का फुल्का मैंने पोछा था। तो अभी भी थोड़ा अच्छे से पोछ देते हैं, क्योंकि जब बना दो ना कुछ तो उसके बाद थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुलना है तो सारे काम करूँगी, और फिर चलूँगी स्नान वगैरह करने के लिए। ब्रश वगैरह भी अभी नहीं किया है, चाय बस पिया है। किचन की क्लीनिंग तो हमारी हो चुकी है, अभी मैं आ गई हूँ फ्रीज वगैरह को क्लीन करती हूँ, थोड़ा कूलर को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी मॉर्निंग में चल चल के ना कूलर पे भी धूल वगैरह लग जाता है। और यहाँ पे ना जो दीवार है वो दीवार से बहुत ज़्यादा धूल गिरता रहता है, तो इस वजह से ना एकदम पाउडर, बहुत फाइन पाउडर गिरता है, तो इस वजह से इसको हमेशा क्लीन करना ही पड़ता है। सो थोड़ा बहुत मैं हाथ पैर देती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं क्लीन नहीं करने वाली हूँ। और इधर मैंने फ्रिज को भी थोड़ा ऊपर से क्लीन कर दिया है, क्योंकि वो है आगे वाले रूम में जो गेस्ट रूम होता है उसमें है, जो कि कभी भी ना सामने से मतलब दिखाई देता है, तो वो सबसे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ ज़्यादातर। और इधर मैं आ गई हूँ, अब कपड़ा वगैरह लेके डाल देती हूँ। कपड़ा वगैरह मैंने धो दिया था, मॉर्निंग में ही धोया था बट उसे मैं ना डाली नहीं थी, तो यहाँ पे अभी डाल देती हूँ। ढेर सारा कपड़ा हो जाता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि शाम को भी स्नान कर लो फिर उस टाइम तो कपड़ा धुल नहीं पाता है, तो इस वजह से ना कपड़ा तो हमें मॉर्निंग में ही धुलना होता है, रात में मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो फिर अभी मैंने धूल वगैरह दिया था, मतलब मॉर्निंग में ही धूल दिया था तो डाला नहीं था। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो चलिए अभी डाल देते हैं। डालने के बाद फिर अभी मैं चलूँगी स्नान वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये सारे काम मेरे किचन के कम्प्लीट हो चुके हैं और मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया है, पोछा वगैरह मैंने कम्प्लीट कर दिया है, तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस मुझे अब बनाना है लंच, तो लंच से पहले मैं स्नान वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो अभी इधर कपड़ा वगैरह बाबू का भी बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें भी कहीं जाना है, तो पैकिंग वगैरह तो हमने नहीं किया है, पर साफ़ सफ़ाई मैं सोच रही थी कि सारे कपड़ों को धुल देते हैं तो सही रहेगा, नहीं तो आने के बाद क्या होता है ना कि फिर बहुत सारा कपड़ा हो जाता है और यहाँ का भी कपड़ा और जहाँ हम जाते हैं वहाँ से भी, तो फिर कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है आने जाने में, तो इससे अच्छा है कि कपड़ा ज़्यादा है तो उसको धुल देते हैं। तो यहाँ पे अभी स्नान वगैरह करके और मैं आ गई हूँ किचन में, मैं आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है और करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ क्योंकि बाबू का स्नान वगैरह कराना था, तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली और ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर मैं आ गई हूँ लंच के लिए। और लंच में अभी मैंने दाल रखा हुआ है क्योंकि मैंने कुद्रुम का भुजिया बनाया है और अभी दाल बना दूँगी, फिर हस्बैंड आएंगे ना तो चावल उनसे पहले ही बना दूँगी, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी बट अभी नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मुझे चीनी जो डब्बा था ना चीनी वाला, उसे मैंने धो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी के हाथों हाथ चीनी का डब्बा में चीनी भी डाल देते हैं, क्योंकि फिर ना शाम के टाइम चाय वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर उस टाइम रखने का मन नहीं करता है, उस टाइम सोचो कि चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे बाबू भी खेल रहा है क्योंकि बगल के पड़ोस से बाबू आया हुआ है, तो बाबू उसके साथ खेल रहा है और यहाँ पे बिस्किट वगैरह के लिए आ गया मांगने के लिए कि मम्मी हम दोनों खाएंगे। और यहाँ अभी मैं बना लेती हूँ लंच, तो उसके बाद अभी मुझे बिल्कुल भी लंच वगैरह करने का मन नहीं है, तो अभी तो थोड़ा सा ब्रेक लेने वाली हूँ। तो अभी हम और बाबू पियेंगे सूप क्योंकि बाबू को भी बहुत ज़्यादा मन है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मन है। तो अभी मैंने दाल बना दिया है, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी चावल और अभी देखती हूँ बाबू से पूछती हूँ, खेल ख़त्म हो जाएगा ना बाबू दोनों का, तो सूप बनाऊँगी, हम दोनों सूप पियेंगे। और यहाँ पे अभी सूप वगैरह हम लोगों ने पी लिया है, गेम भी ख़त्म हो चुका है और मैं आ गई हूँ अभी ही कपड़ा को आयरन करने के लिए। आयरन मुझे करना था क्योंकि एक ही कपड़े को मैं सोच रही हूँ ना कि टाइम जब भी मिलता है ना मैं अपने कपड़े को आयरन कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना वो तो मैं कर देती हूँ मगर खुद के कपड़े आयरन नहीं होते, सच में सबके साथ ऐसे ही होता होगा। तो मैं अभी खाली टाइप बैठी हुई थी तो सोचा कि चलिए आयरन कर देते हैं, और एक एक करके आयरन करूँगी ना तो फिर आयरन हो जाएंगे सारे कपड़े आयरन हो जाएंगे, तो अभी तो मैं यही कर देती हूँ, उसके बाद तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है आयरन करो कपड़े ना, तो अभी तो मैं करने वाली नहीं हूँ। सो आज का वीडियो यहीं तक और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अच्छा लगे वीडियो ना तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, मेरा डेली ब्लॉग रहता है कुछ यूज़फुल रहता है, सो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर